गाड़ी आज हम आपको सिखाएंगे गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे मैंने ये गाड़ी की चाबी पकड़ी और गाड़ी का डोर खोल रहा हूँ मैं। उसके बाद चाबी को लेते हैं हम। चाबी को लेने के पश्चात हम इस ये इग्निशन दिखता है आपको इसमें डालेंगे, ठीक है। अभी इग्निशन एक वन क्लिक टू क्लिक थर्ड में ये गाड़ी स्टार्ट होती है। थर्ड क्लिक में ये गाड़ी स्टार्ट होगी, ये देन ऑफ देन लॉक। तो इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ती किसी गाड़ी को स्टार्ट और लॉक और ये सब चीज़ करने के लिए। खैर फिर भी आपको इन चीज़ों को हम सिखाएंगे और बताएंगे कि गाड़ी में ये सब चीज़ें कैसी की जाती हैं। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा और भी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें ये स्टीयरिंग होता है, इसमें वाइपर के लिए ये होता है जो आगे से शीशा साफ करता है, पानी वानी धूप उन सब चीज़ों के लिए ये होता है। जब उन चीज़ों पर हम वर्क करते हैं तो उसके बाद ही हम इन सब चीज़ों से वो कर पाते हैं। तो ऐसे ही एसी के बटन ये होते हैं, गियर सिस्टम ये होता है, देखिए गियर सिस्टम। अब सबसे पहले गाड़ी में बैठने के पहले हमें दो तीन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है ये गियर को अगर देखिए, अगर ये गियर लेफ्ट और राइट रन कर रहा है, लेफ्ट एंड देन राइट रन कर रहा है, दैट्स मीन गाड़ी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही ये गियर किसी गियर पे जाता है, चाहे वो फर्स्ट में हो सेकंड पे हो, ना अब ये लेफ्ट रन करेगा ना ये राइट रन करेगा, तो इसका मतलब गाड़ी गियर पे है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे आपको, ये तीन इसके सिस्टम ABC, ये आपका क्लच ब्रेक एक्सीलेटर ABC, ये सब सिस्टम आपको बताएंगे। अब इनका यूज़ जो गाड़ी में कर लेता है वो लगभग गाड़ी को 30 से 40% गाड़ी के बारे में जान जाता है। तो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए और इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए आपको वीडियो बने रहना है और आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गाड़ी में हम इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको गाड़ी में बेसिक चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले हम गाड़ी में बैठते हैं तो अपनी सीट अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे गाड़ी के लेफ्ट साइड में गाड़ी की नॉब, सीट के नीचे एक नॉब होती है, उससे हम गाड़ी की सीट को आगे पीछे कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा गाड़ी में सीट में बैठने के उपरांत हमें ये देखना है कि हमारे पैर एक्सलेटर ब्रेक और क्लच में भली भांति प्रकार से पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि सीट इतनी पीछे एडजस्टमेंट कर दें कि हमारे पैर एक्सलेटर में तो पहुंच रहे हैं और ब्रेक लगाने में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि गाड़ी में हम लोगों को इस गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले गाड़ी में जो मैंने तीन चीज़ आपको बताई है ABC, क्लच ब्रेक और एक्सलेटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशनों को हमने देखना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिसको आ गया तो आधी गाड़ी वो ऐसे ही संभाल लेता है, उसको बेसिक स्टीयरिंग की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन उसके ब्रेकिंग सिस्टम क्लच और ब्रेक की नॉलेज है तो वो गाड़ी की आधी नॉलेज को कंप्लीट कर लेता है, आधी नॉलेज को उसको जानता है कि गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, मुझे ब्रेक मारना चाहिए, गाड़ी में एक्सीलेटर बढ़ चुका है, मुझे एक्सीलेटर पैर हटाना चाहिए, गाड़ी में गियर नहीं लग रहे हैं, मुझे क्लच दबाना चाहिए, देन बहुत सी चीज़ें। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमने करना क्या पड़ता है, गाड़ी को स्टार्ट हम जैसे ही करेंगे तो सर्वप्रथम हम गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमने गाड़ी के इग्निशन में जाते हैं, गाड़ी के इग्निशन को ट्विस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम गाड़ी एक हल्की सी आवाज करती है, थर्ड टाइम हमने गाड़ी को इग्निशन को ऑन कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। देन अब हम क्या करेंगे, गाड़ी जब
फिर देख लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहला हमने स्विच ऑन किया गाड़ी थोड़ी देर, सेकंड स्विच ऑन किया गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी सारी ऑन हो गई, थर्ड स्विच में जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी ने इग्निशन लिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हमने तीन नॉलेज को बहुत अच्छी से देखना है। मेरे पैर को मैं आपको पैर भी दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे। तो गाड़ी में अभी ये देखिए हैंड ब्रेक पुल करके खींचा हुआ है, गियर कोई गियर इसमें पड़ा नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल अवस्था में है। तो हमने क्या करना है, अब इस क्लच को हमने भरपूर तरीके से दबा देना है। जैसे हम क्लच को दबाते हैं तो गाड़ी के गियर को हम लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करके फर्स्ट गियर डाल देते हैं आगे की। तो अब इतना डालने के पश्चात हमने गाड़ी में करना क्या है, गाड़ी में जैसे हम ये सब चीज करते हैं तो हम गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी को अभी हैंड ब्रेक से नहीं निकालना है, गाड़ी में हम जैसे ही अपना पैर, मेरे पैर को ध्यान रखिए, अपना पैर हल्का सा हम ऊपर को उठा रहे हैं तो गाड़ी की साउंड में एक अजीब सा परिवर्तन दिखता है, गाड़ी वाइब्रेट होने लगती है। वो वाइब्रेट की स्थिति मेरे मोबाइल में भी आपको आ रही होगी। गाड़ी जब वाइब्रेट होने लगती है उसी समय हमने गाड़ी से अपना हैंड ब्रेक नीचे कर देना है और गाड़ी पीछे की ओर या आगे की ओर रन होने लगेगी जहां को उसमें गिर पड़ा होगा। तो ऐसे ही हम गाड़ी को सीख सकते हैं। दूसरा पैर हमारा ब्रेक में आ जाएगा तुरंत ताकि हम उस गाड़ी के ब्रेक को ले सकें, या एक्सेलेरेटर में चले जाएगा ताकि हम उस गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। देखिए यही चीज आपको करनी है, गाड़ी सिंपल तरीके से आगे पीछे बढ़नी हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम हफ्ते में पर डे 3 या 4 टाइम करनी है, जिससे आपको गर्वी गाड़ी को उठाने में, गाड़ी को चलाने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी चीजें हम आपको गाड़ी और कैसे ऑपरेट की जाती है उसकी चीजें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है, गाड़ी को आगे पीछे करनी है। अब दोबारा इसको देखने के लिए, हम दोबारा इन सब चीजों को जानने के लिए हम दोबारा इस चीज को करते हैं। सबसे पहले हमारा गाड़ी में पुल हैंड ब्रेक खींचा होता है, उसके बाद हमने गाड़ी में चेक करना है इग्निशन ऑन करने से पहले कि गाड़ी गियर में तो नहीं है, क्लच दबाना है, गाड़ी के गियर को राउंड करके देख लेना है, हिला के देख लेना है कि गाड़ी का गियर लेफ्ट एंड राइट साइड को भाग रहा है। लेफ्ट एंड राइट साइड को भाग रहा है दैट्स मीन गाड़ी में कोई गियर नहीं है, क्योंकि गाड़ी में गियर हमेशा बैक या फ्रंट ही ओर पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने गाड़ी में जब हमने इस सब चीजों को देख लिया, हमने एक पैर हल्का सा ब्रेक में रखना है, दूसरे पैर को हमने क्लच से दबा देना है और उस क्लच को हल्के हल्के पैर को हमने पंजे को ऊपर की ओर हटाना है, और जैसे ही हम पंजे को ऊपर की ओर हटाएंगे गाड़ी अपनी वाइब्रेट की स्थिति में आएगी, और गाड़ी जैसी वाइब्रेट की स्थिति, आप सुन भी पा रहे होंगे इस आवाज को, गाड़ी जैसी वाइब्रेट की स्थिति में आती है वैसे ही हमने हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है और गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगेगी। ये अक्सर प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जब आदमी पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में ड्राइव कर रहा होता है और उसको अचानक चढ़ाई आती है, तो वो सोचता है कि मुझे चढ़ाई मिले ही ना, मैं चढ़ाई में गाड़ी ड्राइव ही ना करूं, रोकनी ही ना पड़े, ताकि उसको फर्स्ट गियर में गाड़ी दोबारा उठाने में परेशानी होती है। लेकिन फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने का बहुत अच्छा सा नियम है कि आपको हैंड ब्रेक खींच देना है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना है, कितनी चढ़ाई हो कैसी हो आपको गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के हल्का सा पंजा ऊपर रहना है, गाड़ी की वाइब्रेट का इंतजार करना है, गाड़ी कहां पर वाइब्रेट कर रही है, उस वाइब्रेट की स्थिति को गाड़ी को आपने समझना है। जैसे ही गाड़ी वाइब्रेट करती है देन आपने उसी समय अपने लेफ्ट आर्म से हैंड ब्रेक को नीचे की ओर दबा देना है, छोड़ देना है, हैंड ब्रेक से को हटा देंगे तो गाड़ी अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी और दूसरा पैर आपका हल्का एक्सेलेरेटर और ब्रेक में कॉम्बिनेशन बना के आगे को उसको रन करा देगा। तो यही स्थिति अगर हम देखते हैं, ऐसी स्थिति अगर हम गाड़ी चलाते हैं और मैक्सिमम हफ्ते में 3 या 4 बार अपने घर में गाड़ी सिर्फ आगे पीछे बनाते हैं बढ़ाते हैं, हमें गाड़ी को स्टार्ट करने में और गाड़ी को स्विच ऑफ करने में, गाड़ी को ब्रेक लगाने में अगर इनका कॉम्बिनेशन हमें सही, पैरों का कॉम्बिनेशन हमारा बैठ जाता है तो गाड़ी को हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं।